हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्ने स्टार जेल के बारे में। क्या होता है एक्ने स्टार जेल और किन किन इस्तेमालों में इसको लिया जाता है, क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है और कौन इसको लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है। सब कुछ एक एक चीज हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों सब बात करते हैं, चलो वीडियो के अंदर। तो ये जो एक्ने स्टार जेल जो है मैनकाइंड कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया बनाया गया है और 15 ग्राम का जेल आता है, जैसे कि आप साइड में देख ही सकते हैं इस तरह की इसकी पैकिंग होती है देखने में। 110 रुपए इसकी एमआरपी होती है, इसकी 110 रुपए में मिल जाता है। दोस्तों कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या साल्ट होता है, तो ये दो साल्ट से मिलकर ये दवा बनती है। एक इसके अंदर होता है क्लिंडामाइसिन, एक होता है निकोटिनामाइड। दोस्तों क्लिंडामाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है, दवाई होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूज कहाँ होता है, तो इसका जो यूज होता है दोस्तों एक्ने और पिंपल्स में इसका इस्तेमाल लिया जाता है, यूज लिया जाता है। खास करके एक्ने जो बन जाते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके के जो एक्ने पिंपल्स बन जाते हैं, खास करके उन्हीं में ही इसका इस्तेमाल लिया जाता है। अब बात करें कि एक्ने होता क्या दोस्तों, अंदर की चीज की बात करें कि ऐसा क्या होता है जो एक्ने स्किन पर बन जाता है, जिसमें जो हमारी जो सीबीसीस ग्लैंड होती है स्किन के अंदर, अपनी चमड़ी के अंदर सीबीसीस ग्लैंड होती है, जिसको ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है, तो वो जो है लॉक्ड हो जाती है, पैक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहां से जो है ऑयल नहीं निकल पाता या फिर सीबम नहीं निकल पाता है। जब ऑयल बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, तो वहां पर वो इकट्ठा होने लगता है और वो जो है एक्ने का रूप ले लेता है, एक्ने वो बन जाता है, उस पर इंफ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरीके से बनता है एक्ने, मतलब सीबीसीस ग्लैंड जो होती है हमारी, वहां से सीबम ज्यादा निकलता है, सीबम ज्यादा निकलने की वजह से वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर और उसका वो जो है एक्ने का रूप ले लेता है एक टाइम पर। तो ये होता है एक्ने। तो एक्ने स्टार में जो है दो साल्ट होते हैं, क्लिंडामाइसिन जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता है जिसकी वजह से एक्ने होता है, दूसरा होता है निकोटिनामाइड जो एक विटामिन B3 का फॉर्म होता है। दोस्तों विटामिन B3 वो होता है जो कि लालपन और सूजन को कम करता है, तो इस तरीके से काम करते हैं दोनों दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो इसका साइड इफेक्ट कोई खास साइड इफेक्ट आते नहीं है, अगर आप प्रॉपर डोज और प्रॉपर मात्रा में लगाते हैं तो, जितने दिन तक आपको डॉक्टर ने बोला उतने दिन तक लगाते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं आएगा। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, तो इसको लगाने का सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप अपने अच्छे से हाथ वॉश कर लें, धो लें, उसके बाद ड्राई कर लें, सुखा लें और इसको जो है लेना थोड़ा सा, और जहां पर भी आपका अफेक्टेड एरिया, जैसे मान लो ये पिंपल है एक्ने, तो एक्ने के ऊपर लगाना, ना कि पूरे फेस पर रगड़ना है, बस पिंपल के ऊपर लगाना हल्के हल्के और जो है लगाकर छोड़ देना है। ये काम आपको सुबह शाम करना है, सुबह में भी लगाना है, शाम को भी लगाना है। तो दोस्तों ये होता है एक्ने स्टार जेल। कैसी लगी आपको ये जानकारी, काफी अच्छे से हमने आपको एक चीज बारीकी से समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।